वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स अपना टॉपिक वही अर्निंग में है, यूनिट कन्वर्जन। आज जो यूनिट कन्वर्जन अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपने पास में टेम्परेचर से रिलेटेड की बात करेंगे अपन। टेम्परेचर से रिलेटेड की बात करेंगे। अब टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है, सब जानते हो आप क्या होती है, केल्विन। क्या होती है बेटा? केल्विन। बट इसको अपन अलग अलग यूनिट्स में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स में भी इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है आपका? एक तो है आपका डिग्री सेल्सियस। जनरली टेम्परेचर आपका, आप टीवी में, मोबाइल में जो टेम्परेचर आप देखते हो, ज्यादातर किसमें आता है आपका? डिग्री सेल्सियस में। कुछ डेटा जो होते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके डिग्री फारेनहाइट में। इसमें आते हैं आपके डिग्री फारेनहाइट में। क्लियर? अब अपन को यहाँ पर अगर कन्वर्जन करना है तो इन सब में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होगा, होगा मीन्स होता है, तो इनमें अपन कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन होगा, पहले रिलेशन देखते हैं अपन किसमें, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस में। इसमें देखते हैं अपन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। देखिए बेटा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। क्या होगा? केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। राउंड फिगर में अपन 0.15 को यूज ना भी करें तो भी अपना न्यूमेरिकल शोर हो सकता है, बट मैंने आपको एक्जेक्ट वैल्यू यहाँ पर बता दी है। न्यूमेरिकल्स में केवल अपन 273 यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां से अपन को डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, केल्विन माइनस 273.15। क्लियर? ये रिलेशन होगा किसमें आपका, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। दूसरा रिलेशन आपका किसमें होगा, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में। किसमें होगा? डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में। तो देखिए, डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या है रिलेशन आपका? डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये रिलेशन अपन को ध्यान रखना होगा। क्लियर? अगर यहां से अपन डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का निकाले तो वो भी रिलेशन अपना आ जाएगा। अब बात आती है अपनी चेंजेस की, कि आपको चेंज क्या करना है। तो देखिए, फर्स्ट अपन इसमें लेते हैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। इसमें लेते हैं अपन, जैसा अपन को रिलेशन गिवन है उसी अकॉर्डिंग आपके चेंजेस देखते हैं सेल्सियस और केल्विन में। तो अपने पास में जैसे मैंने क्वेश्चन दे लिया आपका कि आपके 600 केल्विन टेम्परेचर आपको दे रखा है, 600 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। कोई ऑब्जेक्ट है आपका, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है आपका, 600 केल्विन टेम्परेचर। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस। इसमें करना है बेटा इसको डिग्री सेल्सियस में। अब देखो आप, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या करना है आपको, चेंज करना है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो यहां पर क्या करेंगे अपन, जो केल्विन में टेम्परेचर है उसको, उसमें से अपन माइनस करेंगे किसको, 273.15। क्लियर? देखिए, इसमें डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन की जगह क्या रखूंगा मैं आपको, 600 माइनस 273.15। क्या जाएगा आपका, 600 माइनस 273.15। तो अपना यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किसमें जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। क्लियर बेटा? तो यहां से अपन इसका आंसर निकाले तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया अपने पास में 5, ये आ गया आपका 8.0, राइट, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 2, और ये आ गया आपका 3, 326.85। तो अपना आंसर इसमें जो लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, 326.85 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखेंगे बेटा, 326.85 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर। इस तरह से अपन ने 600 केल्विन किसमें चेंज कर लिया, डिग्री सेल्सियस में। और अगर आपको जैसे गिवन हो, क्या गिवन हो, 96 डिग्री सेल्सियस गिवन है आपके पास, कितना गिवन है 96 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इसको आपको चेंज करना है किसमें, केल्विन में, चेंज करना है इसको केल्विन में। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या जाएगा, देखो केल्विन इज इक्वल टू 96 प्लस 273.15। तो अपना आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर इधर निकाल रहा हूं बेटा, देखिए कितना जाएगा, देखो 0.15 अपनी जगह है, 63 कितना हो गया आपका 9, 97 कितना हो गया आपका 6, और हो गया आपका 369.15 केल्विन। क्लियर, इस तरह से अपन यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आपका बच्चा है कौन सा, डिग्री फारेनहाइट और सेल्सियस का, तो देखिए इसको भी कर लेते हैं। बेटा इन चेंजेस में आपको देखना है कि कौन सी यूनिट का रिलेशन किससे क्या है, अगर आपको रिलेशन सही से पता है तो इसमें आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें अपन ने ले रखा है यहाँ पर, सपोज अपन ने ले लिया यहाँ पर 64 गिवन है आपका, 64 डिग्री फारेनहाइट गिवन है, 64 डिग्री फारेनहाइट गिवन है, इसको आपको चेंज करना है इसमें, इसमें चेंज करना है बेटा इसको डिग्री सेल्सियस में, इसमें चेंज करना है इसको डिग्री सेल्सियस में। अब देखो मैं आपको पहले ही बता चुका कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में रिलेशन क्या है, डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब आपको क्या गिवन है, फारेनहाइट में गिवन है, किसमें फाइंड आउट करना है आपको, डिग्री सेल्सियस में। तो इसका इसका रिवर्स अगर फॉर्मूला अपन बना दे तो अपना काम हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, डिग्री सेंटीग्रेड, क्या ले लिया अपन ने, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, क्या बन जाएगा, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। क्लियर, अब देखिए सोल्व कर लीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9, फारेनहाइट कितना है आपका 64 माइनस 32 कितना हो गया 5/9 इंटू 32, आप इसको 52 कितना हो गया 0 16/9 अपने पास में, इसका जो आंसर आएगा सेवनटीन पॉइंट सेवन। तो अपन जो आंसर लिखेंगे क्लियरली उसमें पास में क्या जाएगा 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो फारेनहाइट था वो क्या हो गया आपका 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। 64 डिग्री फारेनहाइट को अपन ने जो चेंज किया वो किसमें किया, डिग्री सेंटीग्रेड में, जो आया आपके पास में 17.7 फारेनहाइट। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।